दोस्तों मुझे इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। दोस्तों 0 सेकंड के अंदर आप निकाल पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप छोटी छोटी वर्गमूल आप पता रखते हैं, छोटी छोटी संख्या का वर्गमूल अगर आप पता रखते हैं तो 0 सेकंड के अंदर आप निकाल पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 2 इंपॉर्टेंट में सवाल बताने वाला हूँ, 2 अलग अलग टाइप का सवाल मैं बताने वाला हूँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको इस टाइप की सवाल पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, दाईं ओर से सॉल्व करते जाएंगे, दाईं ओर से आप सॉल्व करते जाएंगे। देखिए आपको पता होगा 169 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, 13 होता है। अब क्या करेंगे, ये जो 13 निकला 36 में प्लस करेंगे तो कितना होगा, 49 होगा। 49 का वर्गमूल तो आपको पता होगा 7 होता है। अब ये जो 7 निकला आप क्या करेंगे, 3018 में प्लस करेंगे, 3018 में प्लस करेंगे तो 3025 होगा। अब तो आपको याद होगा कि 3025 का वर्गमूल कितना होता है भैया, 55 होता है, क्योंकि वर्गमूल निकालने का ट्रिक्स मैं बता चुका हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, प्लीज उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वर्गमूल निकालें। दोस्तों अगर आपको इस टाइप की कभी भी सवाल पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, दाईं ओर से आप सॉल्व करते जाएंगे। देखिए 121 का वर्गमूल कितना होता है, 121 का वर्गमूल होता है 11। ये जो 11 निकला 60 में घटा दीजिए, 60 में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 49 बचेगा। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। जो 7 निकला 128 में घटा दीजिए, 128 में घटाएंगे तो कितना होगा, 121 रूट अंडर 121 होगा। तो 121 का वर्गमूल कितना होता है भैया, 11 होता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखते रहिए रीजनिंग मैथ।